नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बोगस डॉक्टर सुनील वाडकर गिरफ्तारी प्रकरण में आया नया मोड़, एम्बुलेंस चालक द्वारा मरीजों की इलाज किए जाने का सामने आया वीडियो। मुंबई से सटे वसई शहर में पिछले दिनों सुनील वाडकर नाम के बिना डिग्री वाले बोगस डॉक्टर का मामला सामने आया था। उसी सुनील वाडकर का अब एक और नया और धक्कादायक कारनामा सामने आया है, जिसके बाद शहर भर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल मामला है सुनील वाडकर के वीरार अंतर्गत प्राइवेट अस्पताल हाईवे हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस ड्राइवर द्वारा मरीजों के इलाज किए जाने का वीडियो सामने आने का। इस वीडियो में दिखाई देने वाले ड्राइवर का नाम नीलेश भोईर बताया गया है। यह ड्राइवर अस्पताल में भर्ती मरीज का डॉक्टर बनकर इलाज करते इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। आप सभी को मालूम है कि सुनील वाडकर के पास किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं होने के बावजूद 14 साल तक वसई विरार शहर में डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस करता रहा, जिसमें से 5 वर्ष तक मनपा में वैद्यकीय अधिकारी भी था। हालांकि अभी मामला खुलने के बाद वाडकर के खिलाफ गुनाह दर्ज किया जा चुका है और वाडकर फिलहाल पुलिस हिरासत में है। अभी सामने आए इस नए वीडियो ने मामले में बड़े रिकॉर्ड होने का संशय भी पैदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।